सीवी खुद बनाएं, किसी से हेल्प ना लें, उस पर जो लिखा होगा आपको पता होगा आपने क्या लिखा हुआ है और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरा, बहुत लंबी चौड़ी ऊपर सब ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू बी चैलेंजिंग एंड दिस सिचुएशन, प्रेशर, अंडर द प्रेशर, कैपेबल टू डू वर्क अंडर द प्रेशर, और बहुत कुछ लिखा होता है। एक जगह पे मैं इंटरव्यू ले रहा था, वो लड़के ने ऐसे ही मुझे पता चल गया कि उसने ऐसे ही कॉपी पेस्ट ही किया हुआ या किसी से बनवाया हुआ, ऐसे नहीं पता कि इसने ऊपर क्या लिखा हुआ है। मैं कहा ओके, जॉब मिल जाएगी आपको, मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये लिखा हुआ है आपने इतना, तो वो एक वर्ड भी नहीं बोल सका उसका। ओ भाई, अपने से लिखा ही नहीं है। जब किसी सीनियर के वो या किसी से इम्प्रेस हो के या किसी ने बताया कि इसका मतलब है कि भाई ये वो मैं बहुत बड़ा फनकार हूं और पता नहीं क्या क्या, तो वो एक वर्ड भी नहीं बोल सका उसका। ठीक है, तो नेवर सिंपल लिखें जो आपके दिल में ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है मकसद, पर्पज, आपका आने का पर्पज, आपका इंटरव्यू देने का पर्पज, सीवी बनाने का पर्पज क्या है। सिंपल, जॉब में आप एफिशिएंटली काम करें बस। बाकी आप जब काम करते हैं तो व्हेन योर वर्क स्पीक्स डोंट इंटरप्ट, कहते हैं ना कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है मैं ये कर रहा हूं, वो नजर ही आ रहा होता है। ठीक है, सिंपल अगर लिखना है ऑब्जेक्टिव, उसमें लिखें वांट टू यूटिलाइज माई एक्सपीरियंस फॉर दिस कंपनी। सिंपल अल्लास कि मैं इस कंपनी के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, मैं उसको कंपनी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जब आप कंपनी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी के बेनिफिट के लिए वो होगा, आपके बेनिफिट के लिए भी होगा, उसमें सारी ऊंच नीच ये वो, ठीक है। और बिगनर्स के लिए एक पेज का, ठीक है जी, वन पेज ओनली सफिशेंट फ्रेशर के लिए। इंटरमीडिएट प्रोफेशनल हैं, एक दो जॉब्स की हैं, जाहरी बात है उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या करते थे, पांच छह पॉइंट वो भी लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा जी मैंने फलानी कंपनी में, फलां कंपनी में मैंने इतनी देर काम किया, तो भाई नीचे लिखें क्या क्या करते थे उधर, वो पढ़ेगा, उसको किसी चीज़ पर डाउट हुआ या वो क्लैरिफिकेशन मांगना चाहेगा तो वो पूछ लेगा, अच्छा भाई उधर आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम किया हुआ है, वहाँ एडमिन के तौर पे आप ये क्या क्या करते रहे हैं उधर, तो कुछ लिखे हों पॉइंट्स। और वही बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, दो पेज का सफिशिएंट है। ठीक है, और बहुत सारे जानने वालों के लिए मैंने सीवी बनाया, सिंपली द बेस्ट। अगर आपके एक से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आपने काम किए हुए हैं, मैंने एग्जाम्पल दी थी पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो, कि अगर आप अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन, आप अकाउंटेंट हैं और आपका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, तो आप एक सीवी पे बनाने की बजाय दो डिफरेंट सीवी बनाएं, एडमिन का लहदा से बनाएं, वो एडमिन के जॉब्स पे उसको सबमिट करें, फॉरवर्ड करें, भेजें, और जो अकाउंट्स वाला है, अकाउंटेंट हैं आप, वो लहदा से भेजें। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन करवा के लेके आए यूएई एम्बेसी से। ये मैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, सीवी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी हम किसी से बात करते हैं जॉब की, तो वो पहले यही कहता है कि भाई सीवी भेजो, वो आपका एक जनरल एक इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बंदे ने क्या किया हुआ है। दूसरा, फिजिकल, जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इधर मोस्टली 90% तक जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जो मैनेजेरियल स्किल्स में, बाकी मैं लेबर की बात नहीं कर रहा, उधर सम टाइम इंटरव्यू होता भी नहीं है। अगर आप उस पे हैं जॉब, उस अगर आप उसमें हैं लेबर के लिए आप इधर आ रहे हैं, तो वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फिर भी लेबर का काम पाकिस्तान से बहुत आसान और डेफिनेटली वेजेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी किस काम के कितने पैसे मिलते हैं, किस जॉब में ग्रोथ है, ग्रोथ किस तरह करनी है, आपने रिपोर्ट राइटिंग किस तरह करनी है, जो आपने काम किया आप रिटर्न में किसी तरह भी अपने अपने सुपरवाइजर को, अपने मैनेजर को, जो भी आपके ऊपर लाइन मैनेजर है या जो भी आपसे सीनियर है जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, डेली रिपोर्ट करें। उसका एक फ़ायदा है, एक तो आपको रिपोर्ट बनानी है, आप
उसमें पॉइंट्स भरने के लिए कुछ ना कुछ रिपोर्ट में होना चाहिए ना, वो रिपोर्ट बनाने के लिए यू हैव टू डू, काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो उसमें पॉइंट्स भी लिखेंगे, वो पॉइंट्स लिखेंगे तो आप चाहेंगे कि मेरे मैनेजर को बताओ, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं बताएगा कि सर इस आदमी ने बड़ा काम किया, ये बहुत काम करता है। नहीं, इधर खुद बताना पड़ता है, वो भी एक तरीके के साथ, ठीक है, डॉक्यूमेंटाइज करके कि भाई ये सर जी ये रिपोर्ट है, मैंने ये काम किया, मैं डेली रिपोर्ट दिया करूंगा। उसे पता होगा कुछ चीज़ पेंडिंग रह गई है तो उसके नीचे लिखें कि ये मैंने स्टार्ट किया था, ड्यूटी टाइम खत्म हो गया था, इसको मैं नेक्स्ट डे में करूंगा, ठीक है। ये फिर मैं और चीज़ें बताऊंगा आपको, शिफ्टिंग, शिफ्ट में काम करते हैं यहाँ पे, एक नाइट शिफ्ट है, एक डे शिफ्ट है, हैंड ओवर टेक ओवर क्या है, एक शिफ्ट जा रही है अगली शिफ्ट आ रही है, तो किस तरह अपना काम उनको कन्वे करते हैं कि मैंने ये काम स्टार्ट किया था, ये इतने काम मैंने कर दिए हैं, इतना मेरा बाकी है। ईमेल के थ्रू कर दो, पेपर पे लिख दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कुछ भी, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो कि आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन अपनी ठीक रखें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर टेस्ट किया हो वो लेके आए, सीवी आपका हो अच्छा, प्रोफेशनल सीवी हो, जिस तरह मैंने बताया बिगनर है तो एक पेज, जरा प्रोफेशनल है ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको दो पेज करें, तीन चार पेज वाला कोई सीन नहीं है। इवन के वो इंटरव्यू वाला भी कह सकता है भाई ये इतना बड़ा सीवी क्या लिख दिया, वो आपको वो थोड़ा सा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। ना ही किसी के पास इंटरव्यू में इतना टाइम होता है, बहुत सारे इंटरव्यू वाले इंटरव्यू देने आए हुए हैं और वो आपको 1 घंटा नहीं देगा, उसने 10-15 मिनट में इंटरव्यूअर ने कंक्लूड करना है कि इस बंदे को रखना है कि नहीं, ठीक है। पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स पॉइंट्स लिख के वो पॉइंट्स को पकड़ेगा, उस पर बात करेगा, सबसे पहला सवाल होगा ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बेसिक क्वेश्चन। उसमें ही बंदा कुछ अगर तो अच्छा हो गया तो वो जवाब ही बहुत है भैया, सिंपल। उसने पूछा अपने बारे में बताओ, उसमें आप बता सकते हैं अपना एजुकेशन का, अपने कैरियर के स्टार्ट कहाँ से किया, कौन कौन से आपने काम किए हुए हैं, और इधर आप किस पर्पस के लिए आए हैं, और आप थोड़ा सा अपने पर्सनल भी बता सकते हैं कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, मैं अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर से मैं कॉपरेट करता हूँ, उनका अगर काम में कहीं फंसे हुए हैं तो मैं उनके साथ काम भी करवाता हूँ, मुझ में लीडरशिप की भी क्वालिटीज हैं, ठीक है। और वो बताया गया जी कुछ अपने अपनी 5 खूबियां, प्लस पॉइंट्स आप में क्या हैं, 5। कहता है ओके मुझे बताओ कि 5 क्वालिटीज क्या हैं आप फंस जाएंगे अपने मुंह से किस तरह, वो बताएंगे जी मैं बहुत मतलब ऐसा, मैं हर तरह से नॉर्मल तरीके से बताना है कि सर एक क्वालिटी तो ये है कि अगर मुझे कोई टास्क मिला है तो मैं जब तक कंप्लीट ना कर लूँ मैं वो मतलब आई डोंट फील रिलैक्स, मैं कंप्लीट करके ही जाता हूँ, मैं इस तरह मैनेज करता हूँ। और सर मैं एक टाइम में एक ही काम पकड़ता हूँ, ये नहीं कि मैं 2 काम 3 काम स्टार्ट कर लिए और कंप्लीट कोई भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। इस तरह की क्वालिटीज उसको बतानी है, बाकी ये नहीं कि मैं बहुत मेहनती हूँ जी, मैं बड़ा वो मतलब पहलवान आदमी है जी, मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं। हाँ ऑफिस का काम करना है, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, ये तो क्वालिटीज होती ही हैं। मैं वक्त का पाबंद हूँ जी, ओ भाई वक्त का पाबंद नहीं होगा तो तुम्हारा ही नुकसान, मजबूरी है आपकी। बाकी क्वालिटीज आप में जो क्वालिटीज हैं, हाँ सर मैं फ्रेंडली हूँ, मैं मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है मेरे जूनियर्स के साथ, मेरे सीनियर्स के साथ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इस तरह की, ठीक है, जो वैल्यूएबल हों। और फिर वो पूछ लेगा ओके आप में 5 खामियां जो आपके डिसएडवांटेज आप समझते हैं, वीक पॉइंट्स वो बताएं। ये भी बंदा फंस जाता है अपने अपने मुंह से भी, खामी किस तरह बताएगा कि खामी सर मेरे में ये खामी है जी, मैं बस कोई ऐसे ऐसी पॉइंट अपना नहीं देना, अपने वीक पॉइंट नहीं देना कि जिससे वो कंक्लूड कर ले, वो वर्डिक्ट कर ले, वो फैसला कर ले कि इस बंदे को नहीं रखना, ठीक है। खामियां हर किसी में होती हैं, लेकिन प्रोफेशनल खामियों की बात हो रही है, प्रोफेशनल वीक पॉइंट्स की बात हो रही है, तो उसको भी ऐसे आपने कोटिंग करके उनको जवाब देना है। सर ये खामी तो ये है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं अक्सर खाना पीना भी भूल जाता हूँ, ठीक है, आपने खामी बताई है, लेकिन उसको खूबी लगेगी कि यार ये बंदा इतना डिवोटेड है, इतनी इसमें डेडिकेशन है, ठीक है। और खामी ये है कि मैं आजकल कोई गेम नहीं कर सक रहा, आज मैं आजकल सर कोई जिम नहीं जा सकता, मैं टाइम ही नहीं मिलता इधर से,
काम में ही इतनी वो थकन हो जाती है, जाके खाना खाया, थोड़ी देर बैठे रेस्ट की तो नींद आ जाती है। उसे पता चलेगा कि यार ये कितना काम के साथ कितना डेडिकेट है और अपनी हेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस है कि सर मैं चाहता हूँ बट सर मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं मैनेज कर लूँ। और बाकी इस तरह की बातें करनी है, मैं मज़ीद डिटेल बता दूंगा आपको। आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हो गया। वो पहला पूछेगा जी अपने बारे में बताओ, उसमें आपने अपनी चीज़ें बता दी अच्छी, उसमें खामियों खूबियों की बात करेगा। फिर वो पूछेगा कि ये बड़ा कॉमन सवाल है, गूगल पे अगर आप लिखेंगे ना कि टॉप 5 ट्रिकी क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, तो यही आएंगे जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो पूछेगा व्हाई आई हायर यू ओनली, कि मैं आपको ही क्यों रखूँ, और कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इधर भी बंदा फंस जाता है वो, जी सर जी मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे काम आता है, प्लीज़ मैं, भाई आप उसको दो टू द पॉइंट बात करो उससे कि सर आई डिजर्व इट, मेरा एक्सपीरियंस मेरा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने जो काम किया हुआ है आई कैन प्रूव। सिंपल उसे कहें मैं तुझे क्यों रखूँ, भाई तुझे ज़रूरत है इसलिए रख, ये भी बनता है लेकिन थोड़ा रूड हो जाता है। ठीक है, या मैं क्यों हायर करूं, भाई तू एचआर वाला है, तूने हायर नहीं करना तो और अकाउंट्स वालों ने करना है। ये वाले भी आंसर होते हैं, लेकिन पोलाइट रहना है। ठीक है, हाइपर नहीं होना, कुछ ऐसा जवाब नहीं दे देना। और एक चीज मैं बताऊं, जब भी इंटरव्यू पे बैठना है कुर्सी पे टेक लगा के नहीं बैठना। ठीक है, इस तरह नेवर। ठीक है, और दूसरा कुर्सी से हटके भी इस तरह भी नहीं बैठना, हाथ बांध के नहीं बैठने, डर के नहीं, ऐसे नहीं बैठना। ठीक है, पेंसिल हाथ में तो उसको गोल गोल नहीं घुमाते रहना, बिल्कुल आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट में रहें। और इंटरव्यू के एंड पे उसको थैंक यू बोले, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, सो आई होप वी विल मीट अगेन, या नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू वेरी मच, कुछ भी कह के। ऐसे नहीं कि फाइल बगल में दी तो जा रहे हैं जी। ठीक है, सबसे पहले आपको तो लर्निंग लर्निंग इधर होनी चाहिए। जब लर्निंग होगी, इसलिए मैं कहता हूँ पहले 2 साल कहीं भी जैसे भी एडजस्ट हो जाएं, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सीवी के बारे में, इंटरव्यू के बारे में मैं जितना भी मैं बता सकता हूँ, जितने भी पॉइंट्स मेरे जेन में आ रहे हैं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा फ्यूचर भी, वीडियोज़ में भी साथ साथ कुछ पॉइंट्स जो ऐड करते रहेंगे। सीवी की बात हो गई, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, इंटरव्यू किस तरह देना है, इंटरव्यू में क्या क्या बातें होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ पॉइंट्स आपके जेन में आ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी होता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन सैलरी की, आप कितनी सैलरी चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी वैल्यू का पता है ना, आपने बहुत ज्यादा मांग लेने हैं पैसे वो भी हाथ से जाएगी ना, बहुत कम वो भी आपको फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, अगर तो आप ऑलरेडी काम करते हैं वो तो एक और चीज़ है कि आप पिछली कंपनी में 3,000 दिरहम ले रहे थे तो आपका टारगेट है कि यार 4,000 4,500 45 या 5 तक बोलूंगा मैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, सर कैन यू टेल मी बजट ऑफ योर कंपनी, हाँ कि आपकी कंपनी कितने पैसे का उनके जेन में है, फिर मैं बताऊंगा मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, ये पॉइंट जेन में रखना है। वो कहेगा जी हमारा तो बजट है जी 2,500 तक, वो आपको नजर आता है कि अगर अगर आप 1,500 ले रहे हैं या 2,000 ले रहे हैं तो 2,500 2,500 सुफिशेंट है, लेकिन आप क्या करेंगे, सर मैं तो 35 तक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चलें कुछ बार्गेन कर लेते हैं, निगोशिएट कर लेते हैं कुछ मिल मिला के। अगर वो ये बातें एंड पे होती हैं जब इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए और आपको अंदाजा हो जाए कि मैंने जो बातें की हैं ये बंदा इंप्रेस हो गया, आपके सवालात के जवाब ठीक दिए हैं, फिर ये लास्ट पे ये बात बात होती होती है। ठीक है, फिर वो कहेगा अच्छा आपकी 35 तक एक्सपेक्टेशन थी, हमारा तो बजट 25 तक का, तो ऑब्वियसली 3 में डन हो जाएगा, 3,000 में। ठीक है, इसी तरह मतलब कि मिसाल दे रहा हूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा मार्केट का क्या रेट है, मार्केट में क्या चल रहा है, आपके साथ आप वाला जो काम जो बाकी लोग कर रहे हैं उनकी कितनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक जो बेसिक जॉब है एक वेयर हाउस में, जो वेयर हाउस ऑपरेटिव होता है,
वेयरहाउस ऑपरेटिव मीन वेयरहाउस के काम करने वाले, कोई वजनी काम नहीं, मतलब कि कुछ स्टॉक मूवमेंट है, ट्रॉलीज लिया उधर से, पिकिंग एक वर्ड होता है पिकिंग, के ऑर्डर आया, जिस तरह अमेजोन काम करता है, जिस तरह नून एक कंपनी है, और बहुत सारे ई कॉम वाली इधर कंपनीज हैं, वो सारे इस तरह काम करते हैं। उनका स्टाफ है, उनके पास ऑर्डर आ जाता है, उनके पास डिवाइस होती है, वो पता चलता है कि इतने बड़े वेयर हाउस में, उस आइल्स में, उस जगह में वो पड़ा हुआ है, फलानी बिन में पड़ा हुआ है, आप ठक करके उधर पहुँचते हैं, उसको स्कैन करते हैं और पिक कर लेते हैं, उनको कहते हैं पिक कर। ये एक जॉब है इधर, और ये बहुत सारी जॉब्स इस नोयत की बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है इधर, बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं। वेल फील्ड्स, कौन सी जॉब्स जो हैं आपको मिल सकती हैं, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि यहाँ पे आपको अपनी समटाइम आपको अपनी एजुकेशन के मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान में या दूसरे कंट्री में किया हुआ, अपने होमलैंड में किया हुआ, वो एक्सपीरियंस यहाँ काउंट नहीं होगा। जी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भाई दुबई का तो नहीं है ना, ठीक है, क्या करेंगे। वो एक्सपीरियंस आपको इधर जॉब्स अगर मिल जाती हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप काम करने में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप उधर वो जो चीज़ें सीखी हुई हैं, आपने उधर एक्सेल पे काम किया। हाँ, एक्सेल से मुझे याद आया, मस्ट है भैया, मस्ट, लाजम लाजम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बाकी इंटरनेट चलाना, मैं जी फेसबुक बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरे 6 ग्रुप हैं उधर, मैं एडमिन हूँ 6 ग्रुपों का, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं बड़े यूट्यूब बनाता हूँ, मैं टिकटॉक करूँ, मुझे जी मैं मोबाइल का कीड़ा हूँ, मैं कंप्यूटर पे गेम, भाई ये चीज़ें सारी जो हैं वो रिलेटिव नहीं है आपकी जॉब के साथ, ये आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस देने की। यहाँ पे एक्सेल पे पूछेगा वो, हाँ भाई एमएस ऑफिस किया हुआ है आपने, लिखा हुआ है, जी किया हुआ है, ठीक है, ओके, उसमें आप क्या करते थे आप बताएंगे, अगर आपने काम रियल में किया हुआ है तो आप बता सकेंगे, अदरवाइज आप चला लेता हूँ जी मैं बस, फिर वो हो सकता है सिस्टम वो सामने लैपटॉप रखे और चला, बताओ भी क्या करते थे, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन आप टेक्निकल बात करेंगे तो उसको समझ आ जाएगी, सर मैं स्प्रेडशीटें बनाता था, मैं रिपोर्ट राइटिंग करता था उस पर, और सर वो डेली की जो ट्रांजेक्शन होती थी मैं वो सारा उसी में बनाता था, फिर मैं फार्मूले लगाता था उसमें, एवरेज का फार्मूला, सम का, वी लुकअप मैं लगाता था, मैं इस पर पाइवट टेबल बनाता था, उसको समझ लग जाएगी किस बंदे ने काम किया हुआ है, ठीक है। और जी मैं साथ प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज़ करता था, वर्ड भी यूज़ करता था सर वो डॉक्यूमेंट्स, और कुछ कभी डिसिप्लिनरी नोटिस बनाने पड़ते हैं, कभी मैं उस पर लेटरिंग करनी होती है, किसी को वार्निंग लेटर देनी, कुछ भी मैं वो वर्ड में बनाता हूँ, ठीक है, उसको समझ आएगी या। और मस्ट है, मस्ट, इधर अगर आपने किसी वेयर हाउस में, किसी ऑफिस में, किधर, लेबर के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैटेगरीज हैं इधर, लेबर मीडियम वाली हो गई, फिर मैनेजेरियल, और फिर ऊपर तक तो फिर बहुत बड़े बड़े लेवल हैं इधर, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी, फिर मैं बात करूंगा किस जॉब की कितनी सैलरी होती है और कितनी होनी चाहिए और आपकी स्किल्स को किस तरह बूस्ट करना है, वो बातें भी बीच में आ जाएंगी। ओके, अभी मैं एमएस ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आना चाहिए आपको, और प्रोफेशनल नहीं ना तो इंटरमीडिएट लेवल का, यानी कि आपको दरमियाना सा काम आता हो, अगर नहीं आता तो आज से ही सीखना शुरू कर दें, छोड़ दें ये गेमें खेलना, मैं जी फेसबुक पे मैं वो बढ़िया मैं जी सियासी पोस्टें डालता हूँ, मैं कमेंट, भाई ये सारी फजूल चीज़ें हैं, जो टाइम आप उधर दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दें, मुझे पिछले 15 साल से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं कोई ना कोई नई चीज़ सीखता हूँ उस पर, ठीक है, आज भी मुझे कोई ना कोई किस्म की रिपोर्ट बनानी पड़ जाती है जिस पे मुझे ये फार्मूला लगाना है, तो फिर मैं गूगल से हेल्प लेता हूँ, और व्हेन आई लर्न समथिंग न्यू डेफिनेटली आई फील हैप्पी, बड़ी खुशी होती है कि यार पहले मुझे ये चीज़ का पता नहीं था और अब ये है। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, इंटरव्यू में पूछता मेरे से, मेरा जो इंटरव्यूअर था बाद में मेरा मैनेजर भी रहा, कहता जी आपको वीलू का पता है, सर क्यों नहीं आता मैंने कह दिया, हालांकि मुझे आता नहीं था, ठीक है, ओके ओके, ये बड़ा यूज होता है हमारे और रिपोर्ट राइटिंग में। इमीडिएटली मेरी जॉब अभी हुई नहीं थी, फाइनल नहीं हुआ था, उसने कहा था बताएंगे, तो आकर मैं एक दोस्त के लैपटॉप पे बैठ के एक्सेल चला के तो वी लुकअप मैंने ट्राई किया और मैंने सीख लिया, ठीक है, मुझे पता चल गया कि यार अगर इसने पूछा है, वो तो मेरी गुड लक थी कि उसने कहा नहीं कि करके दिखाओ, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी वो ऑलरेडी, मतलब कि मैंने उसको
इम्प्रेस कर दिया हुआ था तो इसलिए वो बचत हो गई। अदरवाइज अगर वो मुझे पकड़ना चाहता, मेरे पहले भी कोई एक दो भी पॉइंट्स मेरी बातों में इंटरव्यू में उसने नोट किए होते तो इसमें भी वो पकड़ लेना थे, ओके करके दिखाएं तो मैं उधर फिर मुझे वो एम्बेरसमेंट होनी थी। ठीक है, वो ये वाले फार्मूले वो चलते हैं। बाकी ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं आपको यूट्यूब पे, यूट्यूब को इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें इसका। जो जो आप में वीक पॉइंट्स हैं, आपको पता है कि यार मैं मुझे एक्सेल नहीं आता, एक्सेल के फार्मूले नहीं आते, वो आप सीखें प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ये तो हो गई आपकी कंप्यूटर, अगर अगर आपने लिखा हुआ कंप्यूटर सीवी में लिखा हुआ कंप्यूटर एजुकेशन, तो कोई डिप्लोमा लिखा है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो लिखें, और उस डिप्लोमे में आपने क्या क्या किया हुआ है वो लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो वो लिखें कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर में कौन कौन से टूल यूज़ किए हुए हैं, और रेफरेंस के तौर पे आपने अगर कोई काम किया हुआ है तो उनके लिंक्स भी दे सकते हैं कि सर मेरा ये काम देखें, ये काम देखें मेरा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हो रहे हैं, वो मुझे साथ साथ जहन में आते रहेंगे तो मैं डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन आज सी वी के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से और अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन इस्लामाबाद से करवाने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने बात की थी एक बार कि किसी एजेंट को पैसे दे के भाई ये मेरे करवा दो, वो नहीं करने, खुद जाओ। ठीक है, उनके थ्रू करवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो सेव करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 4-1 लाख रुपए की गेम है भाई, इस पर सेव भी कर सकते हैं। ये वो एस्टिमेट है जिसपे अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो इतने लगने ही लगने हैं। अगर आप सेविंग की आपकी आदत है तो आप सेव कर सकते हैं। ओके फाइन यार, 3 टाइम नहीं 2 टाइम खा लो। ठीक है, जब तक आपकी जॉब नहीं होती। ओके, अगर ये ज़्यादा दूर नहीं है तो पैदल चले जाओ, अगर मौसम फिजिबल है, अदरवाइज गर्मी धूप वगैरह वगैरह ये चीज़ें सारी हैं। और आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिस पे दुबई के नेगेटिव पॉइंट्स, वो एक कमरे में 12-12 लोग रहते हैं, ये गंदे बाथरूम है, ये इतना, भाई कौन सा मुल्क है जिसके ऐसे स्पेक्ट ना हो। ठीक है, अमेरिका यूरोप में भी मैं दिखा दूंगा आपको फुटपाथ पे आदमी लेटा हुआ है जी, वो कहीं ऐसा वो वीडियोस ना देखें जिसपे वो बता रहे होते हैं कि जी हम इधर इतने मजबूर हैं, फंसे हुए हैं, वो आपको डीमोरलाइज करेगी। मैं कभी भी किसी को डीमोरलाइज नहीं करता कि भाई इधर बहुत मुश्किल है रहना, इधर मौसम इतना फिजिबल नहीं है, इधर एक कमरे में बहुत सारे लड़के रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कंबाइन, ओ भाई कंबाइन नहीं रहोगे, शेयरिंग में नहीं रहोगे तो आप इतने पैसे बचा ही नहीं सकेंगे कि आप घर वालों को फैसिलिटेट करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जी मैं बस अकेला रहूँ, ओके फिर भाई 3,000 दिरहम मंथली पे रह लें। ठीक है, उतनी सैलरी ना हो तो क्या करेंगे, घर से मंगवाएंगे। अगर 5,000 सैलरी है, 3,000 पे रह रहे हैं, 2,000 में किस तरह आप घर भी भेजेंगे, खाना भी खाना है, बाकी खर्चे। ठीक है, इसी तरह अच्छी अकोमोडेशन अच्छी जगह मिल जाती हैं, थोड़े आदमी रह रहे हैं 3, 4, 5, उसमें किराया जो है वो उसका जो रूम रेंट है बेड स्पेस का 700-800 तक भी हो सकता है। अगर आपकी सैलरी हो जाती है 2,500-3,000 तक तो आप 700-800 में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें बाकी हम बात करते हैं अकोमोडेशन की, और अकोमोडेशन में क्या क्या इश्यू आते हैं, कौन सी जगह पे आपको सूट करता है रहना, किस जगह पे ना रहें, और बहुत सारी बातें आपके साथ करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। रिस्पेक्ट करें उन लोगों की जिनकी बहुत कम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख्याल रखें जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, फी मानी लो।